खत्म कर लो यार। हमारे साथ चिराग पासवान है जिन्होंने समर्थन दिया है, आपने समर्थन का फैसला किया आखिरकार। चिराग क्या कहेंगे अब, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मेरा समर्थन मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा से रहा है। यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की नीतियों को लेकर मुझे हमेशा से शिकायत रही, पर अब जब वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं, अब जब वो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ वो जुड़े हैं, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच को अब धरातल पर उतारने में हम लोग को मदद मिलेगी। डबल इंजन की जो सरकार, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, उस सरकार को हम लोग धरातल पर हम लोग उतार पाएंगे। अंतोगत्वा मेरा भरोसा मेरे प्रधानमंत्री पर है, उनकी गरीब जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उसको कैसे अब धरातल पर इस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उतारा जाए, उस दिशा में अब हम लोगों का सरकार में हिस्सा होगा आपका। सरकार में हिस्से का क्या मतलब है? आपके कई समर्थक को उम्मीद थी कि डिप्टी सीएम बनेंगे चिराग पासवान। अरे नहीं भाई, ये सारी चीजों के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्पित है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर, बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर। ऐसे में किसी पद की लालसा के लिए कम से कम चिराग नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत तो आपने ही कम की, तो ऐसे में अब आप जाहिर है आपकी भूमिका और आप कैसे सामना करेंगे? अब राजनीतिक हैसियत चिराग पासवान ने कम नहीं की, बिहार की जनता को उस वक्त विश्वास नहीं था, उन्होंने अपना समर्थन उस तरीके से नहीं दिया, पर अब जब एनडीए के साथ हैं तो मैं मानता हूं कि जनता भी विश्वास रखेगी। आगे भी इस तरह का विरोध हो सकता है यदि आपके अनुकूल स्थितियां नहीं हुई, यदि आपका जो मिशन है, एजेंडा है, उसके अनुसार चीजें नहीं हुई, तो फिर आप विरोध भी करेंगे? विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे, बट हाँ, जहां पे देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, चिराग पासवान ने, और चिराग पासवान रामविलास पासवान का बेटा है, उन्हीं का खून मेरी रगों में, गलत को कभी हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो भाई क्यों नहीं? अगर हम लोग गठबंधन में भी हैं, इतना स्वतंत्रता हर गठबंधन में दी जाती है, इतनी डेमोक्रेसी लोकतंत्र है ना ये, आपको अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। कल को अगर ऐसा लगेगा कि कुछ गलत नीतियां हैं या जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हो रहा, क्यों नहीं अपनी बात? कम होने का डर तो नहीं है? 6 सीटें की जो मांग है उस पे कायम? अभी बहुत दूर की बात है वो तो। चिराग पासवान